इसी तरह आप यानी कि हम दो एटम बनाते हैं, पहले हाइड्रोजन के एटम न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट पे ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर एक, तो इलेक्ट्रॉन भी एक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एट मुकम्मल करने के लिए क्या करेगा, कैसे ये हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन का एटम, वही वो जो उसने एक लिए आठ हो गए क्लोरीन के, वो जो क्लोरीन के आठ इसमें घूमे आठों के आठों इस तरह मूवमेंट करने लगे, पैसे वहां घूम रहे थे और एक यहां घूम रहा था, उसको एक चाहिए था और इतना उस पर हाथ पांव मारा, जो उसको एक मिला उसके अपने साथ मिला के अब एक की एनर्जी दोनों में मूवमेंट होने लगी, अब उसको भी एक की एनर्जी मिल गई, उसको भी जाते जाते मैं आपको फार्मूला बनाने का तरीके भी कर पहचान लिया जिस चीज का जिस एलिमेंट का जो अकाउंट नंबर है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, वो इसको
A is equal to Z plus N. ये एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है अब हम थोड़ा किसकी तरफ जाते हैं क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है ठीक एटॉमिक नंबर कितना है न्यूट्रॉन चाहिए न्यूट्रॉन एक नंबर मालूम कर दिए कैसे करेंगे चलो चीज को उठा के जब इस तरफ ले आते हैं तो उसका साइन प्लस इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 35.517 को निकालो क्या आएगा 18.5 है 18.5 तो पॉइंट जहां लगा तो पता है ना कि हमारे पास 18 न्यूट्रॉन हो गए क्लोरीन किसी बात में जाकर किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन को मालूम कर सकते हैं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है एटॉमिक वेट कितना है 16 फार्मूला क्या था प्लस एन अब हमें एटॉमिक नंबर बता दें कि उसमें ही इलेक्ट्रॉन है उसमें ही न्यूट्रॉन मालूम करते हैं ए की जगह पे 16 एन की जगह पे ए प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन चाहिए तो ए प्रिस्टम ले आओ प्लस इस तरह आके माइनस हो गया 16 से 8 को निकाला न्यूट्रॉन की कॉन्फिगरेशन या नंबर है 8 पता चला ऑक्सीजन में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 ही प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन ठीक इसी तरह आप बारी बारी हर एक का निकाल सकते हैं सोडियम देखते हैं कि जो सोडियम में डिफरेंट आ रहा है सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना है नंबर 11 वेट 23 आप एटॉमिक वेट की जगह पर 23 लगाएंगे और यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 11 रखा प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे मालूम करेंगे 23 इनको इतना देंगे प्लस इतना भाग के माइनस हो गए अब 23 से 11 को निकालेंगे तो 12 न्यूट्रॉन यानी सोडियम के एटम में इस तरीके से पड़े होते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12 और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या है 2 पहले पे दूसरे पे 8 तीसरे पे 1 इधर हम जमा होंगे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ठीक तो सोडियम तो फिर लेता ही होगी
सोडियम देता है क्योंकि उसके पास भी एच है, यही वजह है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। सोडियम ने क्लोरीन को दिया, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। उसने एक दे दिया उसको, उसने आपस में शेयरिंग की, बन क्या गया? सोडियम क्लोराइड। इसी तरह आखिर में फार्मूला कैसे बनते हैं, धागे फिल्म इनअप करते हैं। मैंने क्या बताया शुरू में कि जो जिस ग्रुप में आएगा उसके आउटर मोस्ट चार्ज में उसका इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी बता दूं जो जिस ग्रुप में आएगा वो ग्रुप नंबर उसका वैलेंसी नंबर होगा। वैलेंसी किसको कहते हैं? किसी चीज के साथ एक एटम का दो एटम का मिलाने की सलाहियत, आपस में बॉन्ड बनाने की सलाहियत। जिसके पास दो वैलेंसी होगी वो दो बॉन्ड किसी के साथ बना सकता है, बॉन्ड बॉन्ड। यही वजह है कि हाइड्रोजन को इसके दौरान कॉलम बॉन्ड बनता है। देखो देखते हैं रेडिकल देखा कभी, संकेत इतना होते हैं माना तू क्यों आया ऑक्सीजन सिक्स ए में पहले 1 2 3 4 ए ग्रुप तक सबकी वैलेंसी पॉजिटिव फोर, पॉजिटिव फोर। उसके बाद जब कम होना शुरू हो गई यानी फोर ए तक गए वैलेंसी फोर, उसके बाद वैलेंसी नेगेटिव में शुरू हो गई। क्या थे? फाइव ए में न्यूट्रॉन आ रहा है, सॉरी नाइट्रोजन आ रहा है, फाइव ए में नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन माइनस थ्री, सिक्स ए में ऑक्सीजन आ रहा है माइनस टू, सेवन ए में फ्लोरीन आ रहा है माइनस वन। तो ग्रुप में पहले से जाते हुए फोर ए ग्रुप तक सबकी वैलेंसी पहले की वन, दूसरे की टू, तीसरे ग्रुप की सब की थ्री एंड सब फोर ग्रुप में आने वालों की वैलेंसी फोर। जब पांचवा ग्रुप आएगा आज वैलेंसी फोर की बजाय नीचे कम हो गए, फाइव ए ग्रुप की माइनस थ्री, सिक्स ए ग्रुप की माइनस टू एंड सेवन ए ग्रुप की माइनस वन। यही वजह है कि माइनस वन फोर के ऊपर क्यों होते हैं, उसको एक साइड होता है।